इस वीडियो में मैं जिस ड्रग का रिव्यू कर रहा हूँ उसको टिनिडाजोल कहते हैं और मार्केट में ये आती है ट्राइकोजिन के नाम से, टिनविस्टा के नाम से अवेलेबल है, निजोल के नाम से भी आती है, टिनिबा के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। ये इसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। जैसे आपने मेट्रोनिडाजोल सुनी है, बिल्कुल उस तरह की ड्रग है टिनिडाजोल। 250 मिलीग्राम में भी आती है, 500 मिलीग्राम में भी ये अवेलेबल होती है। और ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया को मारती है, यानी अगर बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन है वो ख़त्म करती है, या पैरासाइट्स वगैरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको भी ख़त्म करती है। बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के इन्फेक्शन का मैं जिक्र करूँ, एक तो अमीबियसिस है, इंटेस्टाइन के अंदर कभी कभी पैरासाइट आ जाता है अमीबा, उसके लिए बड़ी अच्छी ड्रग है। 2 ग्राम के हिसाब से एक दिन की डोज होती है, 3 दिन तक लेते हैं। या लिवर के अंदर कभी प्रॉब्लम आ जाती है, अमीबिक लिवर एप्सिस कहते हैं, 2 ग्राम तक की मेडिसिन आप तकरीबन 3 से 5 दिन तक लेते हो। डायोडेसिस हो गया या ट्राइकोमोनेसिस हो गया, 2 ग्राम एक बार ली जाती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कभी कभी खवातीन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है वेजिनोसिस, उसके लिए भी तकरीबन तकरीबन 2 ग्राम तक की मेडिसिन ली जाती है 2 दिनों तक, और ये नॉन प्रेग्नेंट खवातीन में ये बात है, बाकी खाने के साथ ही ली जाती है। और एक बात याद रखें कि अक्सर ये जो ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन है ये हस्बैंड वाइफ से एक दूसरे को हो सकता है, लिहाजा इस दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं रखने होते। बाकी टेस्ट वगैरह के दौरान पता चलता है कि इसमें कार्सिनोजेनेसिटी भी है, यानी ये अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे कि जो बिल्कुल क्लिनिकल यूज इसका नहीं होगा, तो ये हो सकता है आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, कैंसर वगैरह भी इससे फिर हो सकता है। बाकी जिन लोगों को एलर्जी है वो तो इसके इस्तेमाल ना करें, साथ में प्रेगनेंसी के अंदर भी इस मेडिसिन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। प्रेगनेंसी में तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कोई भी ड्रग हो अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें, और कोई भी ड्रग गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमसे इसके अलावा कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।